इंसाफ बराबर होगा? मैं इंसाफ नहीं कह रहा, हिसाब ही बराबर होगा। हेलो दोस्तों, तो हम हो गए हैं रेडी, मैं हो गया हूँ रेडी और मेरे दूसरे साथी अभी तैयार हो रहे हैं। आज हम सामान पैक करने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ आज का ही दिन है, तो लकीली आज मेरा बर्थडे भी है। थैंक यू। नहीं एक्चुअली मेरे जब मुझे चाय पी रहा था ना तब याद आया था आज तो बर्थडे है, तो उसके ऊपर आता है तो मेरा बर्थडे गिफ्ट आपने देना है। वीडियो को लाइक करके और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। तो आइए घूमते हैं राजस्थान का जैसलमेर दर्शन करते हैं। तो दोस्तों कैमरा कर दिया सेट, ऑन कर लेते हैं एसजे कैम को, इससे जो वीडियो बनेगी वो आप देखोगे बाद में। तो हम पहले करेंगे बाइक को ल्यूब, तो चलिए पहले करते हैं ल्यूब। दोस्तों हम सभी की बाइक की चेन जो है ल्यूब हो चुकी है। A few inches later. तो दोस्तों हम होटल के रूम से निकल चुके हैं, पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। जब हम रात में यहाँ आए थे तो कुछ नहीं था यहाँ पे, परिंदा भी बर नहीं मार रहा था। तो दोस्तों यहाँ करते हैं ब्रेकफास्ट, देखते हैं कहाँ रुकेंगे। वेलकम बैक दोस्तों, अभी हम खड़े हैं जैसलमेर सिटी में जहाँ पे हमने अभी ब्रेकफास्ट करना है। सुबह के 10 बज चुके हैं। A few moments later. तो दोस्तों हमने अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है, अभी निकल रहे हैं यहाँ से, तो जाएंगे पहले गोल्डन फोर्ट। हेलो दोस्तों, और हम पहुँच चुके हैं अभी गोल्डन फोर्ट ऑफ जैसलमेर। तो आओ आपको दिखाते हैं यहाँ का सीन। दोस्तों जितनी गर्मी हमें आते समय लगी है वो सारी गर्मी और थकावट यहाँ पहुँचने के बाद ठीक हो गई है, बिकॉज ये इतना सुंदर नज़ारा है जो आपने शायद ही कभी देखा होगा। भाई रुकेंगे इसको हम कहते हैं स्वर्ण किला, ये जैसलमेर गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। इट वॉज बिल्ट इन 1156। शाम को जब सूरज ढलता है तो ये एक सोने की तरह बाहर निकल के आता है, इसीलिए इसको स्वर्ण किला कहा जाता है। दिस इज द ओनली लिविंग फोर्ट
in the world and second largest port in Rajasthan, which has almost 25% of all the population of the city of Jaisalmer living here. तो दोस्तों इतनी गर्मी में यहाँ ये जगह है जो थोड़ी सी ठंडी है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 15-20 मिनट आधा घंटा हम आराम कर लें बैठ के। तो अभी टाइम की कमी होने की वजह से हम नहीं रुक सकते। दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ बालकनी में फ़ोटो खिंचवाने। तो यहाँ जाएंगे फोटो खिंचवाने बालकनी में। चले चलो दोस्तों बालकनी फ़ोटो सेशन के बाद अभी जा रहे हैं आगे, देखते हैं कोई अगर कोई अच्छी चीज़ और देखने को मिल जाए। सदियों पुराने पिछले जन्म में ले जाए। आपके पिछले जन्म की याद करवाती है जी। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से सारा जो है जैसलमेर दिखाई देता है। यू कैन सी बिहाइंड मी। डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? रियली एंजॉयिंग। इट्स टू हॉट मैन। थोड़ी गर्मी है मगर ऐसा सुंदर नज़ारा देखने के बाद गर्मी लगनी बंद हो गई है मुझे। तो दोस्तों ये थोड़ा सा एंगल इतना वाइड नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी वाइड एंगल से। साहब हमें कुछ इस जगह के बारे में बताना चाहते हैं। ये आप जो गोले गोले से पत्थर देख रहे हैं ये जब हमलावर आते थे उनके ऊपर फेंके जाते थे। इसी तरीके से दीवार में नीचे आप छोटे छोटे से जगह देख रहे हो, इसके अंदर से गर्म तेल फेंका जाता था जो छेदों में से। हाँ, ताकि वो छेद तो ये भी हैं ऊपर है ना। हाँ, यहाँ से सब फेंकते थे, वो नीचे गर्म तेल फेंकते थे तो जो हमलावर नीचे से हमला करने आता था तो वो जल जाता था, तो उसे ऐसे चिकनी हो जाती थी, ऊपर चढ़ भी नहीं पाता। दोस्तों अभी हमने ओल्डेस्ट कैनन देखी है तो वहाँ कुछ देर स्पेंड करने के बाद हम जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब अभी कहाँ जाना है हमने? अभी हमने सलीम हवेली जाना। सलीम हवेली वो कहाँ पे है? ये यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, मेरे घर पे रखा हुआ है। दोस्तों फ्रेश जूस पीने के बाद हम फ्रेश हो चुके हैं, तो अभी हम जाएंगे सालिम की हवेली। तो दोस्तों राजस्थान का टेम्परेचर उतना है जितना हमारे पंजाब में गर्मियों में होता है। इस समय यहाँ का टेम्परेचर अराउंड 35 डिग्री है। इंसाफ बराबर होगा? मैं इंसाफ नहीं कह रहा, हिसाब ही बराबर होगा। एक टिकट दो जी, सब मिलेगा। हमारे यहाँ एक नंबर का काम है, धोखा नहीं है। ठीक है, इसका क्या इतिहास है इसका भी बता दो। आप टिकट ले लिया आपने? इसका क्या इतिहास है सलीम की हवेली का? चाहोगे तो मैं बता दूंगा, शॉर्टली होगा। लीजिए आपका वीडियो का, हो गया बराबर? ठीक है, ठीक है। ये हवेली 400 साल पुराना है। अच्छा। आउट ऑफ हॉल सबसे पहली बना और सबसे ऊंचा भी है, बिना सीमेंट बिना पानी के बना हुआ है। अच्छा, तो ऐसे बिना सीमेंट बिना पानी के? ये लॉकिंग सिस्टम है, इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट का काम है। बिना सीमेंट बिना पानी का बना हुआ लॉकिंग सिस्टम है, पत्थर में लॉकिंग।
ये देखिए दरवाजे है ना, ये ओरिजिनल वर्क कर रहा है अभी भी लकड़ी का। ये तो ऐसा भाई साहब आपने जो चीज बोली बहुत बढ़िया चीज बोली है, मैं दोबारा स्टेशन में आऊंगा कि नहीं आऊंगा, तो इस स्टेशन में को समझो कि ये क्या है, टूरिस्ट इतना क्यों आता है, इसमें क्या खासियत है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। चलो हम देखा है फिर ऊपर जाके जाइएगा, सर का ध्यान रखना, दरवाजे छोड़। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं सलीम की हवेली, तो ये कह रहे हैं कि हवेली जो है वो है 400 साल पुरानी और बिना सीमेंट के ये हवेली बनी हुई है, तो आओ आपको दिखाते हैं ये हवेली ऊपर से कैसी है। की हवेली अंदर तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, हाँ वी एडवाइज यू कि आप अगर यहाँ पे आना है तो आप बाहर से ही देख के वापस जा सकते हो, अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है देखने को। नमस्ते जी, ये थी सलीम की हवेली मेरे पीछे, तो अभी हम देखते हैं कहाँ जाना है, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, चलते जाएंगे देखते जाएंगे।